हीट कंट्रोल सर्किट यूजिंग एसीआर। एसीआर का यूज करके हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एसीआर की एक एप्लीकेशन है। इसमें इनपुट से हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जो कि डायोड 1 और C1 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से एसीआर के साथ कनेक्टेड है और ये डायोड 2 और ये हमारा हीट लोड है, हीटर है जिसपे हमने सप्लाई प्रोवाइड करनी है और जिसकी हीट को कंट्रोल करना है। और ये बीच में कनेक्टेड होता है हमारे रजिस्टर R1 और R2 के थ्रू। जो R2 है ये टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड 1 कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 2 कंडक्ट करता है। जब हम एसी की पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे हमारा डायोड D1 कंडक्ट करेगा और यही करंट C1 के अक्रॉस जाएगा और कैपेसिटर एक पीक वैल्यू तक चार्ज करना स्टार्ट करेगा। जो रेजिस्टर R1 है ये बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह। और जैसे कि हम जानते हैं R2 हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है। जब इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है R2 का वो भी डिक्रीज होगा। R2 के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जो VG, जो कि गेट वोल्टेज होता है SCR का, ये VG होता है। तो उस टाइम पे ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये भी इंक्रीज होगा जिससे SCR हमारा ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दें लोड, इससे हम इसे इस तरह से हमारा लोड पावर टर्न ऑफ हो जाता है। लेकिन हम डिजायर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और जो VG वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाती है जिससे हमारे SCR के गेट पे ट्रिगरिंग जाती है और SCR कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब SCR कंडक्ट करता है ये हमारा हीट लोड के साथ कनेक्टेड है जिसे हमारा हीट लोड क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। जो भी हमने लोड पे हीटअप के लिए यूज किया गया है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से हम टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट का यूज करके अपने हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो था पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल सिर्फ हमारा डायोड 2 ही कंडक्ट करेगा और डायोड 2 कंडक्ट करेगा और हमारे जो वोल्टेज है हीट लोड के अक्रॉस प्रोड्यूस होगी। इस तरह से हम एसटीआर का यूज करके हीट को कंट्रोल कर सकते हैं।